ये रहा हमारा कमरा 256 नंबर। तो मैं मंदिर में आया था तो हमें यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी, अभी बिल्कुल 1% बैटरी है इसकी। ये है गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो ऐसे सीनरियाँ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम फिलहाल कहाँ पे है। ऐसा एरिया आपको ज़्यादातर हिमाचल वगैरह में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल है हम हिमाचल में। आज हम जा रहे हैं मणिकरण साहिब, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो फिलहाल आपको हम व्यू दिखाते जाएंगे। आपको वहाँ सामने धुआं धुआं दिख रहा होगा। तो कसोल हम क्रॉस कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रास्ता जो है काफ़ी ख़राब है। फिलहाल हम मणिकरण पहुँचने ही वाले हैं। आपको हम फर्स्ट व्यू दिखाते हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारे का। तो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पे हम आपको पास में गर्म उबलता हुआ पानी भी दिखाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा पानी है जो गर्म निकलता रहता है पहाड़ों से। इस साइड जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे नदी बह रही है और इसके पास में आपको काफ़ी धुआं दिखाई देगा। आप पास में देख सकते हैं, इस तरफ आपको काफ़ी बादल जैसे दिख रहे हैं। ये ऊपर चट्टानों से निकलता है गर्म पानी, जो यहाँ नीचे आके पानी के पास मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा गर्म पानी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गुरुद्वारे के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। फिलहाल हम आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में। तो भाई ये रहा हमारा कमरा 256 नंबर। तो चाबी हमें मिल गई है, इस पर भी आप देख सकते हैं, इस पर भी 256 लिखा है। तो ताला खुल चुका है भाई अंदर। ओ वाह भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं। तो फिलहाल हम तो हैं अकेले। तो रूम में हम पहुँच चुके हैं, बिस्तर वगैरह वैसे लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास खुद के पास स्लीपिंग बैग है। तो भाई हम अपना स्लीपिंग बैग यूज़ कर लेंगे। बाकी तो वैसे तो बढ़िया गद्दी नीचे बिछे हुए हैं, तो सामान रखते हैं यहाँ पे। भाई हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हमने खाना वगैरह खा लिया, नीचे लंगर लगा हुआ था गुरुद्वारे में, चाय हमने पी ली है। तो फिलहाल हम सामान वगैरह यहाँ पे रख के फिर नीचे चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद फिर आते हैं। अभी तो टाइम 6:30 भी नहीं हुए, 6:22 हुए, तो फिर नीचे चलते हैं, फिर घूम के आते हैं। तो यहाँ पे रूम देख सकते हैं, रूम जो है लाइन में है, बहुत सारे रूम यहाँ पे बने हुए हैं। और उस तरफ भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये सब एरिया जो है गुरुद्वारे का है, वहाँ पे गुरुद्वारा मंदिर बना हुआ है। तो फिलहाल हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है। नीचे जाने के लिए भी सारा कई बार ऐसे भूल जाते हैं कौन सी मंजिल में जाना है, कैसे जाना, कहाँ से जाना है। इधर रूम भी यहाँ पे मिल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये जो पास में एक शिव मंदिर है, हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको यहाँ पे कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मैं मंदिर में आया था तो हमें यहाँ पे सरदार जी ने प्रसाद दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये प्रसाद जो है चने और चावल बांध के रखे हैं बीच में, ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमें प्रसाद मिल चुका है, चावल और चने दोनों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें चावल उबालने के लिए रखे हैं बर्तनों में। तो ये सारे जो बर्तन हैं वो ऐसे ही, देखो पानी कैसे खोल रहा है, तो ये चावल थोड़ी देर तक हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको मूर्ति देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी है लेकिन देख पाना काफ़ी मुश्किल है।
और ये मंदिर है फिलहाल बंद हो चुका है, हो सके तो हम मॉर्निंग में आएंगे। तो भाई ये चीज़ देखने के लायक है, यहाँ पे आओ तो ज़रूर देखो। ये मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे के साथ में मंदिर है, और मंदिर तो फिलहाल बंद कर दिया गया है भोलेनाथ जी का। तो यहाँ पे नंदी है फिलहाल, नंदी जी ये हमने प्रसाद ले लिया, थोड़ा बहुत घूम लिया और दर्शन हम मॉर्निंग में कर लेंगे, हुआ तो जल्दी से जल्दी वैसे निकल रही है। तो ये है मंदिर भोलेनाथ जी का, फिलहाल हम माथा टेक रहते हैं। जय नंदी जी महाराज, ये हमारे नंदी जी। और यहाँ पे ये है भोलेनाथ जी, तो मंदिर के हमने दर्शन कर लिए। यहाँ पे ये है मणिकर्ण में, यहाँ पे पानी जो है गर्म आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अब चलते हैं हम रूम की तरफ, बाकी आपको मॉर्निंग में दिखाने की कोशिश करेंगे हो सके तो। अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे ये पूरे का पूरा सिक्कों से भर चुका है। मैं यहाँ पे लगभग 6 साल पहले आता था तो ये काफ़ी गहरा था, फिलहाल इसमें सिक्के डाल डाल कर इसे भर दिया गया है। इसमें बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, आप देखिए सिक्के ही सिक्के आपको दिखाई देंगे, इसमें पूरे के पूरे सिक्के भरे हुए हैं। मैं मंदिर से वापस आया तो मुझे एक यहाँ पे मोबाइल दिखा, फिलहाल यहाँ पे कोई भी आसपास में दिख नहीं रहा। यहाँ पे 2 लड़के खड़े थे तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हमारा नहीं है। तो फिलहाल हम थोड़ी देर देख लेते हैं किसका मोबाइल है या नहीं है फिलहाल, उसके बाद फिर इसका देखते हैं क्या हो पाता है। मुझे यहाँ पे रुके हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, अभी तक कोई नहीं आया, ना इस मोबाइल पे कॉल आई है। तो फिलहाल मैं इसे साथ ले जाता हूँ, अगर किसी का कॉल आया तो हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मोबाइल मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी नहीं आया, जब भी किसी का कॉल आएगा तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ गुरुद्वारे के पास में नीचे एक हॉट स्प्रिंग टेंपल करके है, फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसके अंदर देख के आते हैं हम, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता। फिलहाल रास्ता तो कोई दिख नहीं रहा हमें, यहाँ पे छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, इनमें क्या है अंदर जाके देखते हैं। आपको यहाँ से दिख जाएगा यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी चट्टान है, फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, ये अपने शरीर को इससे हीट देते हैं, ये पत्थर जो है वो काफ़ी गर्म है, इससे ही पानी जो है गर्म निकलता है। तो फिलहाल इसे इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि इसमें अंदर ठंडी हवा ना आ सके तो ये गर्म रह सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जो अपने शरीर को हीट देने के लिए, जैसे जहाँ पे दर्द वगैरह रहती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। मैं आपको अंदर की तरफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे जैसे बना रखे हैं। बाइक पे लंबा सफ़र करने के बावजूद कमर में दर्द शुरू हो जाती है, वैसे मुझे कमर में दर्द रहती थी, तो फिलहाल मैं अपने कमर को थोड़ा सेक लगवा देता हूँ। जिनका मेरे पास मोबाइल था उनकी कॉल आ रही है, फ़िलहाल वो बाहर आ चुके हैं, तो हम यहाँ से अपने कपड़े वगैरह ले लेते हैं फिर चलते हैं उनके पास बाहर। तो भाई ये फ़ोन हमें मिल गया, भाई ने कॉल की थी तो हमें अभी बिल्कुल 1% बैटरी है इसकी, तो भाई का फ़ोन मिल गया हमें, कॉल किया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलो मेरे फ्रेंड्स मेरे फॉलो जो भी हैं इनको फॉलो करना, थैंक यू। तो फिलहाल हम रूम में आ चुके हैं, रूम में अभी टाइम जो है लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है, फिलहाल थोड़ी देर एडिटिंग करेंगे मोबाइल से, फिलहाल अभी थोड़ी देर एडिटिंग का काम करेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी निकलना रहेगा, जितना जल्दी हो सके जल्दी इसलिए निकलना रहेगा कि मुझे जाना है आगे, सफ़र जो है मेरा लगभग 4 और 3 7 घंटे का लगभग सफ़र है,
बाकी देखते हैं कि कहाँ तक अगली स्टे का जो मेरा है वो इस हिसाब से है, फिलहाल देखते हैं कैसे हो पाती है। बाकी लोकेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में वहाँ तक पहुँच पाता हूँ, हमें उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लेके चलना रहेगा। फिलहाल थोड़ा एडिटिंग करेंगे। बाकी आपको मैंने नीचे मंदिर दिखा दिया था, शिव मंदिर, वहाँ पे फिलहाल बंद कर दिया गया है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा पानी वगैरह जो उबल रहा था उसमें चावल वगैरह प्रसाद लेके मैं भी आया हूँ, फिलहाल बैग में रखे हैं। गुरुद्वारे में हमने माथा टेक लिया, बाकी हम आपको थोड़ा बहुत हुआ तो मॉर्निंग में दिखा देंगे, अगर जल्दी निकल गए तो फिलहाल कह नहीं सकते। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, यह है गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब। तो फिलहाल अब सामान पैक हो चुका, नीचे चलते हैं, थोड़ी बहुत देर बैठते हैं और फिर जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम निकलेंगे। बाकी मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। ये है यहाँ की पार्किंग, काफ़ी बड़ी है, ऊपर से 3-4 मंजिल बिल्डिंग है। तो हमें जाना है अभी फ्रंट फर्स्ट फ्लोर पे। तो फिलहाल हमारा सामान रेडी है, फिलहाल हम यहाँ से कर रहे हैं वापसी। तो